So here are ABC Industries actual 2001 balance sheet and forecasted 2002 balance sheet. The notes payable line has been adjusted to make the balance sheet balance. ठीक है. तो ये पूरा actual figures है and these are the forecast based on like 2002 and additional funds needed भी दिया हुआ है. Okay. So let's see what is the info and what is the data for this. Okay, I think ये सब हम लोगों ने ये question discuss किया ना पहले. हाँ सर. उसमें पूरा short term loan ये सब पहले discuss कर लिया था ना. हाँ हाँ ये हो गया था. हाँ तो forecast the balance sheet. So balance sheet ABC appears in the example that follows. Here are steps to follow in forecasting the 2002 balance sheet. Forecast operating assets. So 2001 actual ratios for current assets are used. मतलब current assets का ratio use करके हम लोग operating assets तो find कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर data दिया हुआ है. Like inventory to sales and property plant equipment to sales. Accounts payable to sales, accrual to sales, account receivable to sales, cash to sales. These are all for what? These are for finding out the assets value. Okay. So, हम लोग क्या कर सकते हैं अभी? Like in 2001, actual ratios for current assets are used as the basis for the forecast. In 2001, ratio of cash to sales was this much. Okay. Account receivable to sales was. तो जो भी आपका sales का figure है, सब पे आप apply कर दो. What is your sales? प्रीवियस सेल्स ये है, करंट सेल्स ये है, उनके ऊपर वो परसेंटेजेस अप्लाई कर दो, आपको एक एक एसेट्स आ जाता. ओके. सो लेट अस सी, वर्किंग नोट वन बता रहा है वो, जस्ट अ सेकेंड. इफ आई सी कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. सो ये मतलब ये जो भी दिया हुआ है इसका कुछ ना कुछ दे हैव यूज्ड एंड फाउंड आउट आई थिंक. लाइक लाइबिलिटीज के लिए लाइबिलिटीज के रेशियोज हैं. ठीक है. एंड लाइक वो रेशियोज को आप उन्हीं फिगर्स पे अप्लाई कर दो, आपको पूरे के पूरे आ जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस कैश टू सेल्स रेशियो. कैश टू सेल्स है 0.6. ओके. सो व्हाट इज योर अकाउंट सेल्स? एक सेकेंड. हिस्टोरिकल इज लाइक 0.5. इंडस्ट्री एवरेज इज 2010. सर इंडस्ट्री एवरेज देता देते है कैसा क्वेश्चन में देते ना. ओके. हम कहाँ से लाएंगे? नहीं तो देना ही पड़ेगा उसको. जीरो पॉइंट फोर. ये सर ये तो ना वो जो डेटा दे रखा है ना क्वेश्चन में उसका उन्होंने ले रखा है 0.4 कैश टू सेल्स दे रखा है एक्चुअल 2001 में. हाँ, तो नहीं वो एक्चुअल नहीं है, वो फोरकास्ट है शायद. नहीं सर एक्चुअल है 2001 का है सर वो. हाँ तो दो एक्चुअल्स है यहाँ पर, तो हाँ, एक तो प्रीवियस ईयर का है. हाँ तो मैं ये 0.6 पे देख रहा था एक्चुअली इसका. उन्होंने एक सेकेंड. हाँ इसका 600 दिया हुआ है ना, वो ही मैं चेक कर रहा था. सर इसका 600 तो वहां से आया ना अपन को. ये तो सर एक्चुअल तो शायद देते हैं ना सर क्वेश्चन एग्जाम मतलब. वही मैं चेक कर रहा हूँ कि वैसे नहीं, ऐसा नहीं है. देखो आप ये जो है ना, ये 150 सेल्स का फिगर तो दिया हुआ है ना. हाँ तो ये 150 पे हम 0.6 अप्लाई करना क्या, वो देख रहा हूँ मैं. अच्छा. हाँ वैसा 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 चेक कर रहा हूँ, वही देख रहा था कि ये कैसे किया इसने 0. मतलब हमको 2010 का कुछ करना नहीं है, 2011 का ही करना है हमको शायद. वो ही उनका फोकस है. तो ठीक है वैसे कर लेंगे ना, अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली. वैसे भी
1,50,000 था ना वो, लेकिन वो फिगर आता है एक सेकंड, सर ये आ गया फिगर इसमें, 1,50,000 का 0.004% करे वही तो कर 600 आ गए। वही 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 कर रहा था। तो आपका 0.4 है शायद, 0.04 है क्या? 0.4, 0.4 से आ जाएगा हमको। हाँ आ जाएगा। हाँ और फिर उसका कुछ उसने एक्स्ट्रा कुछ डेटा दिया क्या, इंक्रीमेंट वगैरह का कुछ? कुछ भी नहीं हाँ दिया। 10% इंक्रीमेंट, 10% इंक्रीमेंट है फिर वो सेल। हम उसको मतलब बढ़ा दिए तो हमारा काम हो जाता। ठीक है, तो ये हाँ आपका जो है 0.04, आपका 1,50,000 पे अप्लाई करना है ना, 1,50,000 पे अप्लाई करना है। तो उसको फिर 10% बढ़ाएगा वो। लाइक आपका फोरकास्टेड सेल्स 2002 का जो भी आपका मतलब 0.04, कैसे 0.4 दिया ना वहां पर? हाँ सर दोनों करने से वही आ रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड, वो परसेंटेज नहीं होगा फोर। हाँ वो 0.04 है, वो परसेंटेज नहीं है। दे हैव कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स। ओके 0.4/100 किया उसने। सर ये एक्चुअल जो 2001 के फिगर से ये तो क्वेश्चन में देते हैं ना नहीं हम लोग को बैलेंस। फाइंड फाइंड कर लिए शायद ये लोग ना, मतलब जो 1,50,000 है उसके ऊपर, जैसे अभी 1,50,000 है इसके ऊपर मैं 0.04 अप्लाई करूं तो सिक्स, ये ओमिटेड, हाँ थ्री जीरोज ओमिटेड है, तो वहां पर भी वो 3 जीरोज ओमिटेड ही होगा ना। तो हाँ वो मतलब तो सबका ठीक है सर, हाँ बट ये लायबिलिटी इक्विटी और लायबिलिटी एंड इक्विटी वाले अमाउंट तो कहीं नहीं दे रखा ना क्वेश्चन, हाँ तो मतलब वो इस फाइंड, वो आगे। रेशियोस से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ऊपर दिया ना डेटा, मैं वही चेक कर रहा हूँ वो उसी से फाइंड किया क्या, क्योंकि वो मेंशन कर रहा ना थियरी में। देखो आप, फोरकास्ट बैलेंस शीट, द 2001 बैलेंस शीट फॉर एबीसी अपियर्स इन द एग्जाम्पल, हियर आर द स्टेप्स फॉलो टू फॉलो इन फोरकास्टिंग। इन 2001 एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर करंट असेट्स आर यूज एज बेसिस फॉर द फोरकास्ट। यानी 2001 के फिगर्स लेके आपको 2002 का करने के लिए बोल रहा वो। तो 2001 के फिगर्स ही लेंगे आप, 2000 को छोड़ दो आप, वही वही कंफ्यूजन था वो। 2002 के लिए फोरकास्ट करो बोल रहा ना, तो हम 2001 के फिगर्स को लेके लाइक अपना फोरकास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ये 2001 के ही तो फिगर्स हैं, 1,50,000 का हाँ सेल्स वगैरह। तो ये 1,50,000 का जो सेल्स है वो 1,65,000 हुआ 2002 में, फोरकास्टेड इनकम हाँ स्टेटमेंट। और यही 1,50,000 हमारा 2001 का जो सेल्स है उसके ऊपर हम 0.04 अप्लाई करेंगे तो हमको 600 ही आएगा ना। हाँ सर हाँ तो वही है, तो वो वैसे ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, वो जो रेशियोज दिया हुआ है हमको, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि ये जो रेशियोज आपके जो है, एक आपका 0.4% का है, ओके, एंड दूसरा आपका कैश टू नेट सेल्स है, रिसीवेबल चाहिए आपको 11.2% है। तो 11.2% बोल तो सेल्स फिगर ले लो आप 1,50,000, उसके ऊपर इंटू 11.2% करो आप। हाँ देखो वो किया है उसने, खुद किया है 0.112, तो आपको 18,840 आगे जाके, मतलब जो 2002 के फिगर्स है वो छोड़ दो, लेकिन 1,50,000 हाँ इंटू 0.112 करिए आप। सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड आ जाएगा, 16,800 हाँ सर वही आएगा ना। एंड लाइक आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है ना, इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग 840 ऑफ डिप्रिसिएशन। अब इन्वेंट्रीज के लिए उन लोगों ने क्या दिया है, अपना इन्वेंट्री का भी रेशियो है, ओके okay? तो नीड नॉट वर, यहीं पर दिया हुआ रहेगा 12.5% हो ये अपना क्या बोलते हैं, हाँ लाइक 12.5% इन्वेंट्री का रेशियो देखते हैं, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है। द इन्वेंट्री टू नेट सेल्स वॉज 12.5%, तो नेट सेल्स 1,50,000 पे 12.5% अप्लाई करो।18,750 हाँ 18, 750 एक सेकेंड, 1,50,000 है ना, एटीन सेवन फिफ्टी इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन बोल रहा है।
इंक्लूडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन पर्पज एट अकाउंट, हम लोग इन्वेंट्री टू सेल्स कर रहे हैं ना अभी, सो 12.5 इन्वेंट्री का 12.5 ऑन सेल्स है। हम लोगों ने इससे पहले उसका क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड किया था इन द प्रीवियस क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक उसका जो था, उसका नीचे दे रखा है सर, पोर्शन ऑफ डिप्रिसिएशन नोट्स में, यानी यहाँ पर है ना, द 2001 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स 3160 इन डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड 840 इन डिप्रिसिएशन इज कैपिटलाइज्ड इन अनसोल्ड इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्री टू नेट सेल्स इज 12.5%। इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग 840 ऑफ डिप्रिसिएशन 18,750 आ रहा है अपने को। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था अपना इससे पहले? 1,65,000 फोरकास्ट और नॉर्मल नहीं, फोरकास्ट नहीं चाहिए था। 1,13,210 1,13,210 represent 840 इसका वर्किंग नोट भी, अ पोर्शन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इज कैपिटलाइज्ड इन इन्वेंटरी, अनदर पोर्शन इज इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सपेंस, वही देख रहा था मैं। अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल आर इन्वेंटरीड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड बिकम अ पार्ट ऑफ व्हेन द यूनिट्स दे आर अटैच्ड आर सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बता रहा, सो 20,625 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन 1,13,210। अभी हम 2002 का बना रहे ना? हाँ सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परसेंटेज इन्वेंट्री टू सेल्स 10.5 12.5। डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स ये भी ठीक है, ये तो हम लोगों ने फाइंड किया था। डिप्रिसिएशन टू नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9.1% बता रहा है। हाँ। एक बार 1,50,000 का 9.1% करो। 13,650 13,650 अच्छा 13,650 आ रहा है। एक सेकंड में बताता हूँ कि a portion of depreciation on manufacturing facilities is capitalized in inventory, another portion is including the cost of goods sold expense. Okay, ye hamara jo acha ek portion wo bol raha hai ki theek hai, under absorption fixed manufacturing cost including depreciation अमाउंट कहीं पर भी, मतलब जो 18,000 ये जो आया इसको पोर्शन ऑफ डिप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इज कैपिटलाइज्ड इन इन्वेंटरी एंड अदर पोर्शन इज लाइक इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स और एक्सपेंस। अंडर अब्सॉर्प्शन इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरी इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन यूनिट्स दे आर अटैच्ड आर सोल्ड।
750,000 इनटू कितना परसेंट था वो अपना? 0.125। तो ये हम लोग को, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। हाँ कितना, 0.125 है ना, 0.125, 18,750 है प्लस 84। ठीक है आ रहा है ना। एक्चुअली क्या है मतलब 18,800 है ना इसका, ये थोड़ा सा क्या अप्रॉक्सीमेट फिगर्स आ रहा है। एक्चुअली क्या है देखो, अभी आपका ये 0.125 अपना इन्वेंट्रीज का है ना, और ये 0.112 किसका है? उसका रिसीवेबल का है। अकाउंट्स रिसीवेबल का। हाँ ओके, तो 1,50,000 जो है, 1,50,000 इंटू 0.125 करेंगे तो हम लोग को 18,750 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब डिप्रिसिएशन हमारा 840 है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये 840 जो बता रहा है इसके 3 ज़ीरोज़ ओमिटेड है क्या नहीं है? तो डिप्रिसिएशन ये जो 840 का बता रहा है, इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन यहाँ पर भी था ना, तो वो हाँ 840 जो नीचे है हमारे पास, इसमें मतलब 840,000, 3 ज़ीरोज़ हमेशा ओमिट करके रहते हैं। तो हम लोग अभी 8,750, 18,750 है ना, ज़ीरो 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 3 ज़ीरोज़ प्लस 840,000। तो हमको आंसर तो नहीं आ रहा। वन लाख 13,000 इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, इसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड तो करें हैं लेकिन वो क्लियर नहीं बता रहा। पोर्शन ऑफ डिप्रिसिएशन, अच्छा डिप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का डिप्रिसिएशन, इसका कुछ डेटा है क्या हमारे पास? डिप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंक्लूडिंग बोल के दे दिया है बस। वो डिप्रिसिएशन वो क्या किया है, कुछ परसेंटेज है क्या यहाँ पर? यहाँ देखते हैं डिप्रिसिएशन, यहाँ पर भी कुछ नहीं है ना। एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन टू सेल्स, डिप्रिसिएशन 9.1% है ना हमारा, 1, हाँ 9.2 पर। हाँ ये टू 9.1 को हम लोग किस पे लगाना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे लगाना है। एक्चुअली कितना है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने फाइंड किया था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में क्या बोला उसने, 32.3, 1,50,000 का 32.3% करो, 48,450। 1,50,000 का इंटू 32.3%। ठीक है, अब ये 48,450 इंटू 9.1% करो, 4,408। 4,408। ठीक है, अब ये 4,408 आया हमको, वो यहाँ मिलेगा भी हमको अभी कहीं ना कहीं। ये देखो एक सेकेंड, हाँ ये मिल गया हमको। ठीक है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिप्रेजेंटेड 71.7% ऑफ दिस इन टोटल डिप्रिसिएशन। ये कहाँ से लिया इसने, देखना, 71 पॉइंट, क्या 71.1, एक सेकेंड, डिप्रिसिएशन एक सेकेंड, हाँ सो नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 32.3, टोटल डिप्रिसिएशन 9.1, वो ले लिए, 4,409 आ गया। अ पोर्शन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस, अनदर पोर्शन इज कैपिटलाइज्ड इन इन्वेंट्री।
अंडर ऑब्जर्प्शन कॉस्ट एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर इन्वेंटरी डेज़र्ट, ठीक है ये सेम डेटा वहाँ दिया। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स 3160 इन डिप्रिसिएशन एंड 840 इज कैपिटलाइज इन अनसोल्ड इन्वेंट्री बोल के बोल रहा है, ठीक है। वही 840 हम ले रहे हैं, अब वो 840 को उसने क्या एडजस्टमेंट किया है, लाइक 11.2% ही हम लोगों ने लिया है ना अभी, हाँ तो 11.2% के ऊपर, 11.2 नहीं एक्चुअली 12.5%, नाइन सॉरी हाँ 12.5% 12.5% एक सेकेंड अभी इसका देखते हैं क्या होता है। 19,785 840 18,945, ये इसका फिगर ही मैच नहीं होना कहीं से भी। ठीक है वही 840 हमारा इन्वेंट्री में बता रहा है, अगर हम लोग इंक्लूडिंग 840 ऑफ डिप्रिसिएशन इन्वेंट्रीज में डाले तो एक्चुअली में हमारा इन्वेंट्रीज का वैल्यू कितना आ रहा हमको, 750 कुछ आ रहा, वही आ रहा ना हमारा इन्वेंट्रीज का वैल्यू एक्चुअलिटी में भी। देखो इन्वेंट्री टू सेल्स 12.5% दिया हुआ है एंड हमारा सेल्स जो है वो तो हमारा 1,50,000 है, ठीक है वही तो हम सब कर रहे हैं, 1,50,000 75.5% कितना है वो 12.5%, 1,50,000 इंटू 12.5%, 18,750 आ रहा है और इसको 18,880 आ रहा है। अब वो इंक्लूडिंग इसमें इन्वेंट्री भी बता रहा है इसके अंदर में, तो इंक्लूडिंग इन्वेंट्री मतलब वही हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है। अच्छा इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, सॉरी डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कैपिटलाइज इन इन्वेंट्री बोल के बता रहा है, वो वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लिए, वो नोट भी वहाँ बता रहा सो देख लिए कि 32.3 होता है, इतना इतना होता है, 40409 होता है नेट प्लांट लाइक टोटल डिप्रिसिएशन एंड उसका कुछ पोर्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, दूसरा इन्वेंट्री में डाल दिए तो ये भी हम पढ़ लिए, इन्वेंट्री करना है बोल के बता दिया, सब बता दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3160 इन, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड दिस मच इन डिप्रिसिएशन, अच्छा वो भी देख लिए, ठीक है इतना उसमें और इतना इसमें आता है। अब ये जो प्रिसीडिंग इंफॉर्मेशन इज द फुट नोट ओके ऑफ डिप्रिसिएशन इज ब्रिट्स ब्रेक डाउन एंड ऑल, वो तो उसने बता दिया, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है बोल के बोला, ये सब खुद ही दे रहा है वो। एंड द फोरकास्ट फॉर नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज फॉरकास्टेड नेट सेल्स ऑफ, अच्छा ये फॉरकास्ट है, फॉरकास्ट से हमको क्या करना है, हमको चाहिए पुराना वाला फिगर, ठीक है और आगे बढ़ के देखते हैं तो 2001 डिप्रिसिएशन एक्सपेंस्ड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेड दिस मच ऑफ दिस मच इन टोटल डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कैपिटलाइज इन इन्वेंटरी इज 19.1, 19.1 एंड डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इन एसजीए इज 9.2, क्या है 19.1 क्या है, 9. हम 9.1 देख रहे हैं ना जब से, हाँ सर या 19.1 9.1 फिर यहाँ 19.1 क्यों बता रहा, देखो तो कैसे आएगा आदमी को अगर इतना इसमें रहेगा तो। डिप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 32.3% था ना, कितना आया आपको वो, हाँ 32.3 वो 32.3%, उसका वैल्यू कितना किस, 50 फोरकास्ट है 53,295 और एक्चुअल 48,450 नहीं, देखो नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू सेल्स, तो
अपना सेल्स जो है 1,50,000 है ना, हाँ 32.3%, 48,450 इनटू फोर नाइनटी एट फोर 1% देना है तो 9,253 आ रहा है। ये पूरा गड़बड़ केस दिख रहा है, मतलब ये सही फोरकास्ट नहीं है। नीचे 19.1% बोल रहा है क्या, इन्वेंट्री का ही उसमें गड़बड़ आ रहा है। देखो 19.1 बता रहा है यहाँ पर और उधर 9.1 लिख रहा है। अगर मैं मैच भी करूं तो मुझे एग्जैक्ट मैच हो ही नहीं रहा, हाँ किसी भी हाल में नहीं हो रहा। तो ओके देखो यहाँ 19.1 ही ले रहा है वो, क्या बोल, एंड 9.2 इज 9.2, ठीक है वो तो उसका है। क्या ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं, इसको देखते हैं क्लैरिटी। इनका एक गड़बड़ दिख रहा है केस। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो हमने फाइंड कर लिया ना ऑलरेडी, आ गया हमको यहाँ हाँ पर, सर और उसका फोरकास्ट भी कर लिया आगे। ठीक है, तो ओके फोरकास्ट और नेट सेल्स के ऊपर उतना अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये भी क्लियर है, ये भी अपना फोरकास्ट और सेल्स पे डायरेक्टली अप्लाई करके ये फिगर भी आ रहा 20,625। करो एक बार हाँ फोरकास्ट और सेल्स पे 1,65,000 पे 0.125 कर दो, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब तो क्लियर है, बाकी सब डायरेक्ट परसेंटेज हाँ सर अप्लाई करना है। 26-25 हाँ, और बाकी के आप मेरे को पूरे के पूरे परसेंटेज अप्लाई करके देखो, अभी अकाउंट्स पेबल का परसेंटेज अप्लाई करो इसके हिसाब हाँ से, पूरे करो अभी, करके मेरे को ये फिगर्स मैच करके बताओ, हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। और सारे के सारे ये एडजस्टमेंट जो दे रहा है ये भी सब करके एक बार मुझे बताओ, अभी मैं वेट कर रहा हूँ तारा, आपको ही कर तो बेटर है ना। हाँ बाकी तो नीचे नो चेंजेस है सर, बस दोनों अकाउंट्स पेबल और अक्रूड लाइबिलिटी का ही अमाउंट दे रखा है, बाकी नो चेंज है तो उन्होंने कॉपी कर दिया। और उसके वो एक बाद तो नी कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम है वो थोड़ा गड़बड़ है, मैं चेक कर लेता हूँ बाद में। सर एक बात बताना, ये अपन हाँ ने एसेट का तो रेशियो से पता कर लिया, अब लाइबिलिटी सर इसका कॉमन स्टॉक का नहीं है तो सेम एसेट है वहां पे। क्यों ओके नहीं, ठीक है ठीक है क्यों नहीं है ना, अकाउंट्स पेबल का भी है, अक्योर्ड हाँ लायबिलिटीज भी अकाउंट है। हाँ, हाँ यही तो है बाकी ना सर। बाकी सबका क्या करना है, वो डेटा खुद ही दे दिया, हाँ वही सर वो तो नहीं ला सकते कहीं से, वो तो खुद ही दे रहा है ना। हाँ ओके हाँ, बस फॉरकास्ट का जो भी है वो हमको कर देना है। ओके चलो, बेस्ड अपॉन दिस कैश फ्लोज भी कर देंगे। अभी कैश फ्लोज आपको आपको पूरा आपके सामने, देखो कैश फ्लो आपको बनाना है, कैसे बनाना है, आपके सामने इनकम स्टेटमेंट है, आपके सामने बैलेंस शीट है, और आपको 2002 के फिगर्स को लेके कैश फ्लो बनाना है। किसको लेके बनाना है, किस फिगर्स को लेके बनाना है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट 2002 के फिगर और कास्ट फिगर्स को। चलो इसको स्टार्ट कर दो, मैं ओके वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, और कुछ भी डाउट्स है तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। सर। वैसे मैं ये देख चुकी थी पर मैं 19 क्या 699 कहाँ से है ये नहीं, एंडिंग इन बिगनिंग इन्वेंटरी तो आ गया, ये 19699 वाला नहीं समझ आया। एंडिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, मेरे को यही आ रहा है, ये एक्चुअली मेरे को यही फिगर आ रहा, 19,699 आ रहा मुझे। हाँ ये सर आपका इन्वेंट्री जो है ना 840, 20,625 में से 840 निकालो, 1,625 में से 840 निकाल दो। 1975 हाँ, उसको क्या आ रहा, 1619 हाँ वही, कुछ वहीं पर कुछ गड़बड़ है, वो परसेंटेजेस के गड़बड़ है। ये देखो ये फिगर भी वही है, वहां वो 9.1 लेता है, फिर 19.1 बताता है, उसका कैलकुलेशन गड़बड़ है। एंडिंग ओके इन्वेंटरी मतलब इसी साल का रहेगा ना, एंडिंग इन्वेंटरी, बिगनिंग इन्वेंटरी ये है इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन मतलब हमारा फिगर ये आना 18,800 में से 840 निकालो, तो 17,960 आना हमको। हाँ, तो वो मतलब लाइक इंक्लूडिंग मतलब इसमें मिला हुआ है, एक्सक्लूडिंग मतलब आपका शायद इसमें मिला हुआ है, आप उसको एक्सक्लूड करके देख रहे हो। ठीक है, ये इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन के फिगर को ही तो आप ये लगाए ना, हाँ सर तो वो जब एक्सक्लूडिंग बोल रहा है तो निकाल के बात कर रहा है वो, गॉट इट।
ओके बस उतना ही रहेगा, और क्या रहेगा उसमें से, वो अप्रोक्सीमेट फिगर्स रहेंगे। और क्या डाउट है इसमें? यही था सर, बाकी तो हो गया था। बाकी पूरा आप कर लिए? श्योर 100%? हाँ सर। और कुछ उसमें बताने का है अभी, कोई डाउट है? नहीं, नो सो सर। यू नो लाइक एनालिसिस इज नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दीज थ्री थिंग्स, एंड अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं है ये जानना है तो रेशियो एनालिसिस प्लेज ए बिगर रोल। ओके, विदाउट ओके रेशियो एनालिसिस, मतलब रेशियो एनालिसिस बिना इसके कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल्स टू फोरकास्ट कंपनीज फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो ऑल दिस रेशियोज आर द वंस विच आर हेल्पफुल और हैंडी इन फोरकास्टिंग वेरियस परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ कंपनी इन वेरियस वेरियस लाइक एस्पेक्ट्स लाइक लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, लाइक व्हाट वी से लेवरेज, एंड देन ओवरऑल लाइक ओवरऑल लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ओके, टर्नओवर। सो ऑल दीज आर द एरियाज वेयर बाय यू विल बी फाइंडिंग आउट वेरियस रेशियोज एंड यू विल बी सीइंग वेदर द कंपनीज परफॉर्मेंस इज मैचिंग द बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स आर नॉट गिवन बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो जैसे आपको पता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी का ये बेंचमार्क है, एक्चुअली ये है इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री एवरेज है, ये एक्चुअल है और ये फोरकास्ट है। सो एक्चुअली में देखो करंट रेशियो एक कंपनी का 2:1 होना चाहिए कभी भी, दैट इज आइडियल करंट रेशियो फॉर ए कंपनी। ठीक है, तो हम 1.6:1 है। 1.6:1 है मतलब हमारा रेशियो बेंचमार्क से भी कम है और फोरकास्ट तो हमारा और ही खराब है। ठीक है, तो बेंचमार्क से कम है मतलब हमें एक्चुअली हमारा लिक्विडिटी स्ट्रांग होना है तो 2.2:1 होना चाहिए हमारा रेशियो, यानी 2.0:1, लेकिन हमारा उससे कम है। तो हमें अपने कंपनी के मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा या ये डिसीजन लेनी पड़ेगी कि इन व्हाट वेज एंड व्हाट मींस दे कैन इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड काइंड ऑफ लाइक सी दिस लिक्विडिटी डेफिशिएंसी कैन बी रिमूव्ड और कंपनी इज ऑलवेज स्ट्रांग इन इट्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजिशन। उसके लिए कंपनी को क्या करना चाहिए वो कंपनी को डिसाइड करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर भी सही नहीं है, इंडस्ट्री एवरेज तो और ही बेकार है, एक्चुअली में तो 6 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो इंडस्ट्री एवरेज तो सही नहीं है और हम इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है, 6 टाइम्स है, मतलब हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर आइडियल है। सर ये आया कहाँ से सर ये अमाउंट? ये सब वो क्वेश्चन में दे रहा, खुद फाइंड करके आप फाइंड करो ना, इन्वेंट्री बाय सेल्स करो। सेकंड। हाँ, आपका इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ये एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। नहीं, हाँ, वही, ओके ओके, नहीं, वैसा नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री है फॉर्मूला। ओके तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ, ऑफ गुड्स। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2 करना है, डिवाइड करके देखो आप, 6 रहे तो अच्छा है। करके देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन टू यू, फोरकास्टेड फोरकास्टेड वाला लेना है सर। नहीं, एक्चुअल वाला एक्चुअल है, फोरकास्टेड वाला फोरकास्टेड है, दोनों अलग फिगर्स है ना। ओके 1131 20 प्लस इन्वेंट्री। नहीं, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, 1131 जो भी बताया आप, डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री कर दो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो दोनों को डिवाइड करने से 6 आना। हाँ ठीक है सर। आ गया ना? हाँ तो वैसे ही आपके ये फॉर्मुलेस दिए हुए हैं, ये फॉर्मुले बेसिस पे आपको पूरे रेशियोस फाइंड करने हैं। ओके यहाँ कोई इंटरप्रिटेशन का तो इश्यू नहीं है, इंटरप्रिटेशन देना पड़ता है एक्चुअली, यहाँ तो मेरे हिसाब से वो दे आर नॉट आस्किंग इट, खाली वो रेशियोज को जज करने के लिए बोल रहे हैं। डे सेल्स इन इन्वेंट्री, डे सेल्स इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, कितने दिन आप लेते हो इन्वेंट्री को बेचने के लिए। अगर 6 टाइम्स आपका रेशियो रहेगा, ठीक है, तो अगर सपोज
मेरा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लाइक सपोज मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 है, तो सपोज तो वैसा है तो 365 days डिवाइड बाई 10 days करने से 36.5 days होता, ठीक है। तो अगर 12 है तो 30 days होता, तो जितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई रहेगा उतना मेरा डेज कम होगा। अब यहाँ पर 365 डिवाइडेड बाई 6 करने से 60.83 आ रहा, 60.8, 60.8 days अच्छा नहीं है एक्चुअली, फिर भी बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर क्या है रेशियो, डेट इन्वेंट, ये आपका रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। इंटरेस्ट ईबीआईडी में इंटरेस्ट नो नो, एक्सपेंस ईबीआईटी वगैरह आ ही नहीं सकता यहाँ पर। सी इट इज नथिंग बट लाइक नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटार्स। ओके, नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटार्स तो 8.9 बता रहा है, कमी है एक्चुअली, 10 होना चाहिए मिनिमम, 10 to 12 होना चाहिए। तो ऐसे में डेज सेल्स इन रिसीवेबल्स यानी कितने दिन आपको लगते हैं आपका पैसा कलेक्ट करने में, 365 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 36.5 days आएगा, 365 बाई 12 करोगे तो 30 days आएगा, 365 बाई 8.9 करोगे तो 41 days आएगा, जो सही नहीं है। 30 days इज आइडियल माना जाता है, ठीक है। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर योर कंपनी इज एबल टू पे इंटरेस्ट टू दी बॉन्ड होल्डर्स और दी पीपल हु हैव परचेज योर कंपनी सेक्रेटरी कंपनी इज लाइक सिक्योरिटीज। ओके, आपने अपने लोग अपने लोगों को बॉन्ड्स बेचा, बॉन्ड बेच के उनसे पैसा लिया, अब उनको उधार आपका उनको इंटरेस्ट चुकाना है ना, तो उनको इंटरेस्ट देना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, वो लोग ये देखेंगे कि आपकी कंपनी की वो हैसियत है कि नहीं है, कि वो टाइम उनको सही तरीके से पेमेंट कर सके, यानी उनके पास उतना रिजर्व्स है कि नहीं। तो 6 ठीक ही है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस तो आपका 1 लाख रुपए सपोज आपका प्रॉफिट है, इंटरेस्ट पे करने का उनको 10,000 है, तो 10 times आपके पास कैपेसिटी है उसकी, अच्छी बात है, वो मिनिमम 6 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रेशियोज ऊपर दिए हुए हैं आपको, एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब इसका क्या मतलब है, आपके एसेट्स का कंट्रीब्यूशन क्या है आपके टर्नओवर में, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब आपकी कंपनी में कॉम्बिनेशन क्या है डेट और इक्विटी का, बहुत ही फालतू दिया हुआ है, गलत गलत कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में 1:1 होना चाहिए, यानी 50-50% दोनों रहेगा तो अच्छा माना जाएगा। मतलब अगर डेट आपका 80.9% है इक्विटी के मुकाबले में, तो बहुत ज्यादा है ना डेट आपके पास, वो सही नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा रहेगा अच्छा रहेगा, पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। सी प्रॉफिट्स का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट के केस में दिल मांगे मोर कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा। अगर मैं बोलूंगा 10% के लिए आप सेटिस्फाइड, बोलेंगे सर क्यों, मैं 20% चाहिए मुझे, मैं बोलूंगा 20 क्यों चाहिए, 30 क्यों नहीं चाहिए, तो ये नेवर एंडिंग डिबेट है। ओके, सो वी वांट मोर प्रॉफिट्स, बट फिर एक एक क्वेश्चन आता है कि फिर किस तरीके से ये जज किया जाए कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया प्रीवियस ईयर के मुकाबले में, अगर ज्यादा आया है इस बार तो देन डेफिनेटली इट्स अंडरस्टूड कि यू हैव डन अ गुड परफॉर्मेंस, तो वी विल कंपेयर दैट विद द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर और अगले साल का भी हम वही फोरकास्ट रख रहे हैं, ये फोरकास्ट की बात हो रही है, तो पिछले साल का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं यहाँ पर। ओके, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, और हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कुछ, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं आज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। नेट प्रॉफिट का भी सेम कॉन्सेप्ट है, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। एसेट्स के रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब क्या होता है आपका, आपके जो भी एसेट्स है आपने अपने पूरे के पूरे कंपनी में एसेट्स खरीद के रखा हुआ है, उससे आपको, आप जैसे मैं मेरा एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, फर्नीचर लेके आया, उसमें मतलब पूरा का पूरा सब इन्वेंटरी सब लेके आया, सब कुछ लेके आके पूरा बिजनेस स्टार्ट करा,
मेरा 10 लाख का, मेरे कम 10 लाख का एसेट्स है मेरे पास, और मेरा रिटर्न 1 लाख का हुआ है, तो $1 पे 10 सेंट कमाया कि नहीं कमाया मैं, वो देखना है मुझे। क्या देखना है? $1 पे मैंने कितने सेंट्स कमाए, ठीक है? ओके वो मैं 10% की बात कर रहा हूं, तो 10 सेंट, $1 पे यहाँ पर 5.6 सेंट्स कमा रहे हो आप। ओके अगर 56% होगा तो 56 सेंट्स कमा रहे हो। ओके, हम कैपिटल क्यों अरेंज करते हैं अपने बिजनेस के लिए? ये आपको मैं, एक रिवीजन हो गया एक रेशियोज का, मतलब एक हाँ रिव्यू हाँ हो गया आपको, बट ऐसे रेशियोज बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत टेक्निकली पढ़ना पड़ता है उसको, मतलब बहुत अच्छे से समझना पड़ता। रेशियोज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ईपीएस वीपीएस के ऊपर, वो 100 पेजेस का चैप्टर है पूरा, 100+ पेजेस आई थिंक। अभी तो उन लोगों ने अच्छा बहुत कुछ रिमूव कर दिया उसमें से, 20-30 पेजेस, और एल्स इट्स अ वेरी बिग चैप्टर। रिटर्न ऑन इक्विटी मेरा उसमें कम से कम 10-12 वीडियोस है, 1-1 आवर के पूरे, उतने सेशंस लिए। अच्छा अच्छा, अब रिटर्न ऑन, आप अपनी कंपनी के लिए, कंपनी को चलाने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल से आप क्या चाहते हो? कैपिटल क्यों लगाता है कोई इन्वेस्टर? रिटर्न्स के लिए। प्रॉफिट हाँ रिटर्न हाँ, वही 1 लाख का कैपिटल लगाया, 10 हजार का प्रॉफिट आया, $1 पे 10 सेंट्स, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? हाँ सर तो आपको सारे के सारे फॉर्मुलेज हैं, आप अपने कंपनी का जो ऊपर का डेटा है उसके हिसाब से सारे रेशियोज फाइंड कर लो, इंडस्ट्री एवरेज से मैच कर लो, और स्टैंडर्ड्स मैंने आपको अभी बता दिया है सबका। इसका मैंने 2 पॉइंट, मैंने 2:1 बताया, इसका मैंने बोला 6 टाइम्स, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हो वापस, आपको क्लैरिटी आ जाता। हाँ इसका मैंने बताया कि कितने दिन सही होते हैं, ठीक है, कितना, मैंने क्या बताया था, डे सेल्स इन्वेंटरी, कितने दिन आप लेते हो बेचने के लिए, अगर ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम दिन लोगे, जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा दिन लोगे। हाँ अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर के बारे में मैंने आपको बताया कि कितने टाइम्स होना चाहिए जिससे आप अपना पैसा जल्दी से जल्दी लोगों से वसूल कर सको। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बताया कि आइडियल आपका ठीक है 6 ही होता है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा कैपेसिटी माना जाएगा। एसेट टर्नओवर मैंने बताया कि आपका एसेट का कंट्रीब्यूशन आपके रेवेन्यू जनरेट करने में क्या है। डेट टू इक्विटी बताया मैंने आपको, दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन क्या अच्छा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के बारे में आई हैव एक्सप्लेन यू, ये मैंने $1 पे 10 सेंट्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया आपको, ठीक है? हाँ सर विद दिस वी एंड अप दी बजेटिंग थिंग टुडे एंड हाँ लेट्स एंटर इन टू वेरियंसेस टुमारो, ओके हाँ ठीक है ना? सर ओके तारा, सर प्रिपरेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये ऐसे क्वेश्चन में आएंगे सारे मतलब जो भी रेशियोज और फोरकास्टिंग प्रिपेयर करना है ये ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है, श्योरली ऑफ कोर्स, फोरकास्ट है ना, ऐसे क्वेश्चन में दे सकते हैं, दे सकते हैं। दे कैन गिव यू इन ऐसे क्वेश्चंस सर एंड ऐसे क्वेश्चन में स्टेप वाइज का भी अपना मतलब मार्क्स होता है क्या हाँ मतलब हाँ फॉर 100% रहेगा रहेगा, मार्किंग स्कीम में स्टेप्स के भी काउंट होते हैं, ऑफ कोर्स करेंगे ना हम लोग एक बार ये जल्दी, थोड़ा सा ये 10 डेज में अगर हमारा वेरियंसेस हो जाता है अगर, तो उसके बाद हम लोग कॉस्टिंग खत्म कर दिए समझो, तो हाँ आपका हो गया फिर, उसके बाद थियरी थियरी चैप्टर है छोटे छोटे, वो हम लोग फटाफट फटाफट फिनिश कर ले सकते हैं। मेन ओके आपका 50% खत्म हो चुका है अभी तक, हम देखते हैं क्या है बजटिंग, और बजटिंग का क्या वेटेज है, 20 है क्या, 15 है, हाँ 20 20 20 20 है, और आपका रिपोर्टिंग का क्या वेटेज है, 15 15 1.5। इतने बेवकूफ़ है लोग, पैसा कर रहे हैं लोग, मतलब अच्छा खासा वही वेटेज, सर हाँ इतना मतलब बहुत ज्यादा दे तो 15% दे रखा है उसको जा इतना सारा इसका सिलेबस दिया है इन लोगों ने, और सिलेबस वही देख सर के मतलब क्या है ना, सी इट हैपेंस लाइक दैट, अगर आप सीपीए का एग्जाम लिखोगे ना, इसी को वेटेज हाँ रहेगा, ये सब काम का नहीं है। बट कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के केस में रिपोर्टिंग उनके लिए एक नॉर्मल एक चीज है, उनको जानना है बस, लेकिन बजटिंग उनका डेली का रूटीन टास्क है, ओके उनको हायर, वो अकाउंटिंग तो वहां पर सीपीए कर लेते हैं ना, हाँ सीपीए सब कर लेते हैं, बस बजटिंग एक ही मतलब बंदा कर सकता है, वो है कॉस्ट अकाउंटेंट,
वो लोग उतना बजटिंग में नहीं करते काम, ये लोग ही करते हैं, तो बजटिंग का अच्छा वेटेज दिया लोगों ने। और वेरियंसेस का क्या वेटेज है? 15% 2020 सॉरी 20%। वेरियंसेस तो सबसे सबसे बड़ा टॉपिक वेरियंसेस ही है इनका यहाँ पर। कितने वेरियंस क्या है सर बेसिक में? मैं ऑलरेडी आपको एक बार क्लास में बताया भी वेरियंस एक्चुअल और हाँ वो तो है सर एक्चुअल और उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड का डिफरेंस वही है वेरियंस। भाई वेरियंस का मतलब क्या है? आपको बनाना है 1000 यूनिट्स, ठीक है? चलो एक छोटा एग्जांपल से समझो, आप हर आपका एक मिठाई का शॉप है, ठीक है? आप मिठाई के शॉप में समोसे सभी बनाते हैं, तो समोसे की दुकान वाला 2000 समोसे तो नहीं बनाएगा। नहीं तो वो जब नई नई शॉप खोलता है तो वो स्टडी करता है पहले कि एरिया में मार्केट कैसा है, लोग कैसे हैं, फ्लो कैसा है, आने जाने वाले कितने हैं। तो वो पहले पहले में स्टैंडर्ड फिक्स करता है 100 ओके पहले साल में, कि 100 तो मैं कैसे भी बनाऊंगा, क्योंकि 100 अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मुझे कॉस्टिंग भी नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरे पास जो कारीगर काम कर रहे हैं वो कारीगर भी जो काम करेंगे उनको मुझे सैलरी देना है, और मुझे उनका सबका और मेरा ऑयल का मेटेरियल का सबका कॉस्टिंग भी निकालना है। हाँ अगर मैं सिर्फ 10 समोसे बनाऊंगा तो मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा, है ना? अगर मैं 100 बनाऊंगा तो मुझे सस्ता पड़ेगा, बल्क में बना रहा हूँ, क्योंकि एक ही बार में मेरा मेरा उतना काम हो जा रहा है। अगर मैं 10 बनाऊंगा और 10 ही बेचूंगा 1 घंटे में तो फायदा क्या है? वही अगर 100 बना के बेच दूंगा तो मुझे फायदा है ना, हाँ मेरा रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो मुझको अपना कॉस्ट भी रिकवर करने का एक तरीके से एक बेस मिल जाता है। और हाँ जितना बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि लेबर को हम जो पे करेंगे वो सब स्टैंडर्ड फिक्स होता है। देखो स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड कॉस्ट जो भी आपका, मतलब स्टैंडर्ड जो आप यूज करते हो, स्टैंडर्ड कभी भी आपको मालूम है पर यूनिट के हिसाब से लेते हैं हम लोग, हम डिस्कस कर चुके हैं। और हाँ बजटेड कभी भी जो होता है वो टोटल होता है, am I right? और हाँ एक्चुअल जो होता है वो एक्चुअल में आता है, वो एक्चुअल में क्या होगा वो हमको नहीं पता है, वो हम एक्टिविटी करने के बाद ही मालूम करते हैं। तो पर यूनिट हमारा स्टैंडर्ड तो फिक्स है, उन लोग को क्या पे करना है हमारा एक एक घंटे के हिसाब से उनको क्या पे करना है वो फिक्स है हमारा, चाहे हम 100 समोसे बनाए, चाहे 500 बनाए, चाहे 10 बनाए, चाहे क्या बनाए, यूनिट फिक्स कर दिया हम लोग उसको। एक घंटे का तेरे को हम 100 रुपए देंगे, या एक घंटे का तेरे को 200 रुपए फिक्स कर दिया, यानी तुम 3 घंटे समोसे बना के चले जाओ, 600 रुपए लेके चले जाओ हमारे पास। ऐसे वो 8-10 दुकान देख लिए तो बस है उनको, वो अपना कमाई कर ले, पैसा रहता। अब हमारे को ये एफिशिएंसी लगाना है कि जो हम उसको दे रहे हैं फिक्स करके 1 आवर में, उसमें हम 500 बनाए तो हमको फायदा है ना, बट 500 बिकना भी, तो फर्स्ट ईयर में हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं 100। अब एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, हम आज तो 100 बना के रखे, लेकिन कस्टमर आ गया और 20 कस्टमर एक्स्ट्रा आ गया, वो खाली आज चले गया, तो ये होता है वेरियंस। तो आज हमने मतलब ये स्टडी का एक कॉन्सेप्ट है कि आज हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है 100 का, वो स्टैंडर्ड हमारा जो है वो हमारा कम पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअलिटी में 120 के हिसाब से कस्टमर आ चुके हैं। तो वेरियंस आपका जो रेवेन्यू है, आप यू हैव फॉरगॉन योर रेवेन्यू, राइट? 20 का वेरियंस हो गया आपको, तो 20 का जो भी है आपको अनफेवरेबल रहा आपके लिए, क्योंकि कस्टमर जो है वो आया ज्यादा और आप बेच पाए कम। हाँ. उसको आपको ठीक करना है, ये वेरियंस को आपको स्टैंडर्ड, आपका जो स्टैंडर्ड है उसको आपको इस लेवल से, मतलब जो भी आपका एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड से मैच हो जाना चाहिए, तब जाके ये होगा कि परफेक्ट स्टैंडर्ड्स क्रिएट किया आपने। समझ में आ रहा है? और स्टैंडर्ड्स भी ऐसा वैसा नहीं है, मतलब उसको अटेनेबल ही रहना चाहिए वो क्रिएट करने के, क्रिएट आप ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ जो अटेनेबल होना चाहिए। मैं दिन में 500 समोसे बना रहा हूँ, कस्टमर खाली 100 का ही है मेरे पास, तो फायदा क्या है, और भी फेंकने को जाएगा वो। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल होता है। तो ये तो मैंने रेवेन्यू के बारे में बताया, कॉस्ट में भी होता है वेरियंस, सेल्स में भी होता है, लेबर का भी वेरियंस होता है, सबके वेरियंस होते हैं। सो टुमारो डेफिनेटली एज वी आर गोइंग इनटू द चैप्टर इन डीप, वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग एंड बहुत प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग 10 डेज के टारगेट में, इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। फाइन, ओके 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 तारा, थैंक यू, बाय बाय बाय।